हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। प्राइस के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि प्राइस इससे कम या इससे ज्यादा ना हो, तो इस तरह का वैलिडेशन एमएस एक्सेस में कैसे लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करूंगा। मेरे पास 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी हो आप उसे ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर हमें सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस चूज करना है, और ब्लैंक डेटाबेस चूज करने के बाद यहां पर आएगा क्रिएट। तो आपको करना है सिंपली यहां क्रिएट पे क्लिक, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहां पर मैं लिखूंगा आईडी। जैसे देखिए यहां पहले से आईडी लिखी हुई आ रही है, ये सपोज कीजिए प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है। यहां मैं प्रोडक्ट डिटेल के नाम से ये टेबल बना लेता हूं, ये टेबल क्रिएट हो गई। अब ये सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट की आईडी होगी, इसे मैं ऑटो नंबर ही रहने देता हूं, और यहां लिखता हूं प्रोडक्ट नेम, तो ये प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा और टेक्स्ट डेटा टाइप होगा ये। और देन जहां पर अब प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रोडक्ट प्राइस, तो यहां प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। तो प्रोडक्ट प्राइस को मैं रखूंगा करेंसी, तो यहां से करेंसी डेटा टाइप आपको चूज करना होगा। और वैलिडेशन रूल में मैं क्या देने वाला हूं, यहां पर मैं दूंगा इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्या दे दिया मैंने, इज ग्रेटर देन जीरो, और यहां पे हम इसी चीज को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है, तो यहां पे हमने क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो नेगेटिव में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या फिर जीरो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये सेव कर दिया। अब यहां पर यह प्रोडक्ट नेम आ रहा है, और यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, और यहाँ पे आईडी तो अपने आप आएगी क्योंकि ऑटो नंबर लिया है, तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की जो भी प्राइस है वो यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूं -9 रुपीज, तो जैसे ही मैं -9 देता हूं लिखा हुआ है प्राइस कैन नॉट, ठीक है, इन नेगेटिव नंबर, ठीक है, प्राइस कैन नॉट बी लेस देन जीरो और इन नेगेटिव नंबर, तो ये दे रहा है। अगर मान लीजिए हम जीरो देते हैं तो यहां पे देखिए क्या आएगा, फिर वही मैसेज कि जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे अगर जैसे ही हम वन दे देते हैं तो यहां पे ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहां पे हम 100 रुपीज कर देते हैं कीबोर्ड की प्राइस, ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहां पे मैं लिखता हूं माउस, और माउस की प्राइस यहां पे हमें देखनी है, जैसे मान लीजिए माउस की प्राइस 200 रुपए, तो ये तुरंत एक्सेप्ट करेगा, यहां पे देख सकते हैं आप, इसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे डेस्कटॉप लिखता हूं, डेस्कटॉप, ओके, और डेस्कटॉप जैसे ही लिखा हमने, अब सपोज कीजिए 50,000 डेस्कटॉप की प्राइस है, यहां पे एंटर किया हमने, तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि इस पे वैलिडेशन आप कैसे दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।